इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब बेली पर अखिलेश भी कूद पड़े हैं। अखिलेश ने किया है पलटवार, किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये जनता बताएगी। उन्होंने कहा है कि ये चिंता वो लोग न करें जिन्हें 5,000 वोट मिले थे, जिन्हें 5 से 6,000 वोट मिले हैं पिछले चुनाव में, अपनी चिंता करें। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, ये कहा है अखिलेश ने। बेनी ने समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने की बात कही थी। बेनी पर अखिलेश ने अब किया है पलटवार। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये जनता तय करेगी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेंगी। जो गिनती 4, 5, 6, 8, 10 जिनके विधानसभा के रिजल्ट 5,000 से नीचे आए हैं, वो दल जरूर 4, 5, 6, 8 पे रह जाएगा। और वो दल का आकलन आप करना ना, जिस दल का 5,000 से कम वोट आया है उसी पार्टी की संख्या इतनी होने जा रही है। बेनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। मुख्यमंत्री थे, राकेश मंत्री था, हम एमपी थे, कुछ बातें थी, हमने कहा इनको सुधार लो, इन्होंने आश्वासन नहीं दिया सुधारने का। हमने इनके सामने ही कह दिया था कि फिर हम आज से आपको छोड़ रहे हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये नहीं सुधारोगे तो मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। और हम कुछ नहीं बन पाएंगे, यही उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम आपके 10 वोट भी नुकसान करेंगे तो हमको आत्मसंतोष होगा। ये कहकर नमस्ते करके चले आए, गेट तक हमको भेजने भी आए। फिर हमने समाजवादी क्रांति दल की घोषणा कर दी और 10-15 दिन में उदित राज से समझौता हो गया। राकेश के बारे में कहें उसकी जवान दोस्तों की दो बात, इंजन निशान से लड़ा था, 48,000 वोट पाया था, 1,000-1,500 से आ रहा था 2007 में। अब की बार जो भी चुनाव हुए उसमें गांव की जमानत जब्त हो गई, 58,000 वोट पाया था, हार गया था, उसका हमको अफसोस नहीं है। हम चौधरी चरण सिंह के साथ बहुत दिल रहे। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि राजनीति बड़ा अच्छा खेल है, इसमें फाउल नहीं खेलना चाहिए। हमको अफसोस इसलिए, हम फाउल नहीं खेले, हार गया, लेकिन हमको उनकी बहू के हारने का अफसोस हुआ था। हम कांग्रेस में रहते हुए भी वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, पुराने व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए। राजबब्बर का कोई वहां जातीय आधार नहीं था, 1 लाख से हारे, हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव लड़ोगे जीतोगे, हारे। इंदिरा जी हार गई, चौधरी चरण सिंह भी हारे थे, लेकिन इस तरह का कटाक्ष करना हम उचित नहीं मानते।